हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के डीएस क्लासेस में। इस वीडियो को अपने थंबनेल देखा कि CBT 1 और CBT 2 की प्रिपरेशन स्टडी का क्या प्लान होना चाहिए, और ड्यूरिंग प्रिपरेशन CBT 1 और CBT 2 के लिए एक क्या सेफ स्कोर लेके चलें। आप सभी कैंडिडेट जो ये वीडियो देख रहे हो, तो आप सभी ने अपने अपने ब्रांच से, रेस्पेक्टिव ब्रांच जो भी आपका है, आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ देख लिया होगा कि भाई आपकी जोन प्रेफरेंस किस तरीके से होनी चाहिए। सबको पता है कि किस बोर्ड से फॉर्म भरा जाए, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मैंने सभी ब्रांच के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, इन सभी के लिए मैंने जो है आपका वीडियो अपलोड किया हुआ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो अब बात करते हैं कि मेन आगे का जो हमारा स्टेप है भाई, कि हमें स्टडी कैसे करना है। तो इस वीडियो में जितने फ्रेशर कैंडिडेट हो या वो सारे कैंडिडेट जो भी फुल टाइम जो अपनी प्रिपरेशन में को लेकर डेडिकेट है, उनके लिए एक प्लान बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरा वीडियो अच्छे से देखना कि किस तरीके से आपको यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। बुक्स वगैरह क्या लेके चलना है, क्योंकि टाइम आपके पास उतना काफ़ी है नहीं, तो आपको कम टाइम में अच्छे से आउटपुट मतलब लेना है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी तभी ज़्यादा होगी जब इनपुट कम देना और आउटपुट ज़्यादा लेना है। तो रिसोर्सेज कम होनी चाहिए उसके लिए, और लेकिन मल्टीपल टाइम्स उसका रिविज़न होना चाहिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो चीज़ें तुरंत क्लिक करें कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने पढ़ा हुआ है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में भाई आपको माइंड ही चलता नहीं है, 90 मिनट में 90 क्वेश्चंस करने हैं। इट मीन्स व्हाट, कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। फिर जब आप CBT 2 में बैठोगे तो 150 क्वेश्चन के लिए चाहिए आपको 120 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम। तो ये सारी चीज़ें जो है तभी आएगी जब आप बहुत ज़्यादा थ्योरी पोर्शन जो आपका हो उसको आप घर पे रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है। इससे आपका टाइम ड्यूरेशन जो होता है कम होता है। इस वीडियो में आप जो है बुक्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि CBT 1 जो रहती है सबके लिए जो आपकी है कॉमन आपका स्टडी प्लान रहेगा। CBT 2 जो रहती है आपका, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके ब्रांच से पूछे जाएंगे। भले ही मैकेनिकल वाला बंदा इलेक्ट्रिकल की पोस्ट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कुछ बंदे मैकेनिकल की पोस्ट उनकी भले ही कॉमन होगी, लेकिन जब CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा, जो उनका 100 क्वेश्चंस रहेगा, जिस ग्रुप का वो लोग चूज़ करेंगे, जिस ब्रांच से 100 क्वेश्चंस उन लोग का उसे आने वाला है, ठीक है। अदर ब्रांच वाला क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आपको बुक पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका जो है टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज भले आपको जिस किसी भी, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन का टेस्ट सीरीज लिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं, आप उसी से प्रैक्टिस करें। टेस्ट बुक वगैरह जो होता है बहुत कम सस्ता दाम में अच्छा खासा वो लोग भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। और बात करेंगे कि रिवीजन जो होता है, इधर सक्सेस बोलते ना, द की ऑफ सक्सेस इज रिवीजन। क्योंकि भले ही आपके पास कितना नॉलेज है नहीं है, डजेंट मैटर, बट एग्जाम हॉल में जब बैठते हो तो कितने टाइम्स आपने जो चीज़ पढ़ा है उसको कितनी बार आपने रिवीजन किया है, ठीक है, उससे चीज़ें क्या होती है हमारे माइंड में तुरंत जो है क्लिक करती है। तो एक रिवीजन के लिए हम लोग यहाँ पे, और एक डेली रूटीन का क्या प्लान होना चाहिए, तो चलो पूरी वीडियो हम लोग बात करते हैं। अब CBT 1 की हम लोग स्टडी प्लान की बात करेंगे। CBT 1 सिलेबस इज कॉमन फॉर ऑल ब्रांच, और CBT 1 की जो एग्ज़ाम पैटर्न है हमें 90 मिनट में, ठीक है, 90 मिनट में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, सॉरी 100 क्वेश्चंस करने हैं। इसमें भी एक क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट के लिए कम चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपके 55 क्वेश्चंस, तो आपके 30 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, रीजनिंग से हो गया 25, तो ये हो गया आपके 55 नंबर। 30 नंबर आपके हो गए जनरल साइंस से, वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल साइंस में आपके सारे चीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह सारा पोर्शन उसमें आ जाएगा। और 15 क्वेश्चन जो रहता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका पॉलिटी हो गया, आपका जियोग्राफी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, फिर आपका उस पर करंट अफेयर्स भी हो गया। तो आपको सिलेबस प्रिंट करके आपके हाथ में रखना है, और आपको देखना है कि चलो ठीक है मुझे टारगेट किस पे करना है। क्योंकि हमें पता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो आपकी टारगेट होना चाहिए 70 से 80, ठीक है, वो फिर नॉर्मलाइज होकर स्कोर जो बढ़ती है। क्योंकि CBT 1 का जो स्कोर कार्ड होता है मेरे दोस्त, वो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि CBT 1 में जितना ज़्यादा नंबर लाओगे, और सपोज आपने जिस बोर्ड से फॉर्म भरा उस बोर्ड को फॉर्म भरने के टाइम आप 5 पोस्ट में एलिजिबल थे, CBT 1 में अगर आप 5 पोस्ट में अगर उसका कटअप क्लियर करोगे तो CBT 2 में जब एग्जाम में बैठोगे तो उस 5 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होगे। अगर CBT 1 में सपोज आपके 3 ही पोस्ट के कटअप क्लियर हुए हैं तो आप CBT 2 में जब जाओगे तो उन 3 पोस्ट के लिए आप फाइट करोगे। सो इसीलिए जो है ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि CBT 1 का जो नंबर है भले ही क्वालिफाइंग नेचर है, बट इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो भाई मेरे, तो आपको करना क्या है कि 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग, इस पोर्शन को पूरा टारगेट पे लेके चलना है एकदम, ठीक है। क्योंकि ये पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद गलती नहीं होते हैं। लोग 55 में अप्रॉक्स 50 नंबर तक का टारगेट लेते हैं। भले अगर आप फ्रेशर हो, अभी स्टार्ट किए हो, तो ये चीज़ें थोड़ा टाइम लगती है, लेकिन देखो एक प्रॉपर प्लान बनाओ। डेली रूटीन का क्या मतलब होता है कि कल मैं क्या करने वाला हूँ,
उसको एक दिन पहले उसका प्लान बनाना है, ठीक है। सपोज अभी मेरे पास सिलेबस अपने हाथ पे रखा हुआ, अच्छा ठीक है, मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो है टॉपिक नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा। नंबर सिस्टम को पढ़ने के बाद जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा तो कुछ और टॉपिक मिला। तो अगर जिनके सारे टॉपिक क्लियर है वो तो टेस्ट सीरीज लगा लगा कर प्रैक्टिस करें और टेस्ट सीरीज में जहाँ से नंबर कम आ रहे हैं उस सेक्शन पर काम करें। लेकिन जिन्होंने सारे टॉपिक क्लियर नहीं किए वो पहले टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। बुक्स की बात रही किस बुक से करें, तो कोई यार बुक्स अगर आप आर एस अग्रवाल या किसी भी कोचिंग क्लासेस की कोई भी मतलब अगर एप्टीट्यूड की बुक्स रखे हो तो आपको ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं करना है सीरियल के लेवल पे, ठीक है। आपको नॉर्मली करना है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे तो देखोगे कि यार सीबीटी वन जो क्वालिफाइंग नेचर है तो उतना ज़्यादा टफ ये लोग नहीं पूछते हैं, ठीक है। लेकिन जब कम टाइम पर ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं तो फिर भाई आपको मतलब 80% 70 से 80% आपको मतलब जनरल कैटेगरी के आसपास, जनरल और ओबीसी आपको टारगेट एक लेके चलना है। जो एस सी एस टी ई डब्ल्यू एस के कैटेगरी रहे भैया वो अपना टारगेट जो है 70 के आसपास लेके चले। तो इतना जब आप टारगेट लेके चलते हो ना तो आपकी जब तैयारी होती है वो 10 नंबर कम की होती है। तो टारगेट को आप जब हाई रखते हो ना तो आपकी जो सिलेक्शन की जो चांसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड का डेली एक ही टॉपिक उठाओ और उस क्वेश्चन को आप अपने बुक से या अगर आपने सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो उसको अपना टेस्ट सीरीज से उसको प्रैक्टिस करना है और देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। और एक नोटबुक प्रॉपर बना कर रखना है कि हाँ जो अपने मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, नंबर सिस्टम में बहुत सारे कंसेप्ट हो गए हैं, वर्क एंड टाइम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, तो जितने भी आपके मैथमेटिक्स टॉपिक के जो कंसेप्ट होते हैं उसका एक जगह प्रॉपर बढ़िया से करके लिख के रखो ताकि जब आप रिविजन करो तो जब क्वेश्चंस नहीं बने तो देखो यार कि आपके कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ही है, ठीक है, उसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी वो सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। तो इस तरीके से डे बाय डे आपको रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड को लेके चलना है। मान के चलते हैं कि भाई आप डेली एक को दो टॉपिक को लेकर चलना, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये हो गया। अब जनरल साइंस में देखो 30 क्वेश्चंस है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग सोचते हो कि सर इसका बुक बता दीजिए, बहुत कोई आपको एनसीईआरटी सजेस्ट करेंगे भाई एनसीईआरटी पढ़ लो, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ने चले जाओ। जिन लोगों ने पढ़ लिया उन लोगों के लिए बहुत अच्छी, बट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे हाई होनी चाहिए, कैसे कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट उनको मिले, तो आप जो है अरिहंत की जो बुक होती है उसका जो है मैंने बहुत बार जिक्र किया है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है और जो जनरल साइंस में जो आपका सिलेबस में मेंशन किया हुआ है उन दो टॉपिक को अच्छे से करो दोस्त। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना, सारे क्वेश्चन जो आपके ना वो लग जाएंगे, वो बड़ा ही अच्छा आपको वहाँ पर बेनिफिट करने वाला है जनरल साइंस के लिए। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर जो वीडियोज आप देखते हो जिस किसी का भी यूट्यूब चैनल पर वो आप देखते रहो, 6 साल 1 साल के जो बैक की जो आपके करंट अफेयर्स आते हैं, जो इम्पोर्टेंट अभी ओलंपिक चल रहा है, ठीक है, तो ओलंपिक्स में जो आपके मेडल हो गए हैं जो हमें मिल रही है, इसके पहले भी जो गेम हुए हैं इंपॉर्टेंट गेम, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको रखना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट अवार्ड हो गया, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण पद्म भूषण, ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हो गए हैं, किसका कौन सा डिपार्टमेंट है, तो ये सब सारी चीज़ आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ करते रहना है। अब जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री को भी थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज उसको कंप्लीट करो आप। तो सीबीटी वन का होल अप्रोच यही होना चाहिए कि डेली एक टॉपिक आपको रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड से उठाना और टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है। इन सभी के बीच सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप ये चीज़ करने वाले हो ना तो उस टाइम आपको माइंडसेट में ये बैठाना है कि मान लो कि अगर आपकी एग्जाम जो है कल होगा तो एक दिन पहले आप कैसे पढ़ोगे। सपोज एक दिन पहले नहीं, सपोज मान लो एक हफ्ते के बाद है कोई भी एग्जाम, तो आपकी जो एफिशिएंसी रहती है ऑन दैट टाइम एफिशिएंसी विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो आपको यही चीज़ आपको दिमाग में बैठाना है कि भाई मेरा एग्जाम मेरा सामने है, एग्जाम सामने है, तो उस कंडीशन में जो आपकी जो फोकस ऑफ माइंड होती है ना बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ लेके चलना आपको, ठीक है। साथ साथ में सीबीटी वन के साथ साथ आपको सीबीटी टू का कोई भी एक सब्जेक्ट जो जिस रेस्पेक्टिव ब्रांच से आप बिलोंग करते हो का आपको एक टेक्निकल सब्जेक्ट जो होता है उसको साथ में लेके चलना है, ताकि सीबीटी वन और सीबीटी टू के बीच ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। जब आप सीबीटी वन का एग्जाम दो तो आपकी सीबीटी टू की भी सिलेबस जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। और प्रॉपर रिविजन स्ट्रेटेजी जब भी आप सुबह पढ़ाई करो तो मैं जो है मॉर्निंग वाला टाइम ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। अगर आप नाइट वाले में हो तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल अरेंज कर लेना, बट अगर मॉर्निंग वाले हो तो मैं बोलना चाहूँगा जब आप नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हो ना सुबह 4 बजे 5 बजे जब भी उठो तो सबसे पहले अपना डिसाइड करना कि मुझे क्या रिविजन करना है। अगला दिन आपने जो भी पिछला दिन में जो भी पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, जनरल अवेयरनेस पढ़ा होगा, ठीक है, टेक्निकल वाला कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा या एप्टीट्यूड के जो भी कंसेप्ट पढ़े होंगे तो उनको एक जगह पर रखना शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के और उसको पूरा मतलब पहले रिवीजन कर लेना। रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा अच्छी यार मैंने इतनी सारी चीज़ें जो है पढ़ ली है। और सबसे अच्छी बेनिफिट वाली ये बात है कि जब भी सोने के लिए जाओ तो आंखें बंद करके भाई आप सोचो कि दिन भर में आपने क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं।
जब आप माइंड को कॉन्सेंट्रेट करोगे तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बट आपके थॉट्स जब आपको जब सिलेक्शन लेना है ना, तो आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करोगे, तब आपके दिमाग में अपने आप देखना टॉपिक रिविजन होने लगेंगे। अच्छे मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा, क्या पढ़ा था, अच्छा मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ा, मैंने जनरल साइंस में कौन सा टॉपिक जो है पढ़ा है। तो इस तरीके से जब रिविजन करते हो तो हमारा जो माइंड होता है, एक चेतन माइंड बोलते हैं, एक अवचेतन, चेतन मतलब कॉन्शियस, जो हमारा सोचते हैं हमेशा वो जो चलता है वो आपका कॉन्शियस होता है। जब आप सो जाते हो तब भी आपका माइंड जो काम करते हो उसको सब कॉन्शियस बोलते हैं। तो जब आपका कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स जाती है ना, तो वो लंबे टाइम तक आपका जो वो सारी चीज़ें मेमोरी रहती है, ये एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया। ठीक है, जोसेफ मर्फी के बुक में ये चीज़ बहुत अच्छे से बताया गया कि आप सोते के टाइम जो चीज़ बनना चाहते हो या आपने जो चीज़ किया है उन सबको एक बार आपको मेमोराइज करना है, देखना वो सारी चीज़ें जब सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और धीरे धीरे आपको अपने सक्सेस को फील करना है कि हाँ यार मेरी जब नौकरी रेलवे में लग जाएगी तो आपकी लाइफ स्टाइल किस तरीके से होने वाली है, तो और इसके लिए कितना मेहनत करना है, तो अपने आप को उस लेवल पर जाकर इमेजिन करना। इमेजिन जब आप करोगे ना तो आपको सक्सेस उसी टाइम मिल जाती है, आपको सिर्फ वो प्रोसेस करना पड़ता है। तो डेली बेसिस पे ये इमेजिनेशन वाली जो एक टेक्निक होती है, सोने के टाइम में आप हैबिट डालना, देखना एक मेमोरी वाला कि क्या पढ़ा है आपने, और अपने आपको सक्सेस फील करना है कि हाँ मुझे सक्सेस मिल गई रेलवे में, मेरे को इतने लोग सोसाइटी में, मेरे पेरेंट्स को, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। ये सब थॉट्स अपने आप माइंड में लाते रहो, पॉजिटिव थॉट्स, देखना धीरे धीरे आप जो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ोगे और आपको भी एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगा। ठीक है, सेफ स्कोर की जहाँ तक बात की, मैंने बोला 70-80 का टारगेट रखो, जनरल कैटेगरी ओबीसी, भले मैं आपको ज़्यादा बोल रहा हूँ, डिपेंड करेगा आपके बोर्ड के वाइज में, किसी किसी बोर्ड में तो इससे भी ज़्यादा कटअप जाती है। ठीक है, अजमेर बोर्ड में पिछला बार भाई 80+ कटअप किया था। तो आप अपने टारगेट को हाई रखो, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस में कम नंबर आ रहे हैं कोई बात नहीं टेस्ट सीरीज में, लेकिन देखो कि किस सेक्शन में नंबर कम आ रहे हैं, उस सेक्शन को फोकस करो, नोट डाउन प्रॉपर करो कि आपके वीकनेस जोन, वीकनेस पॉइंट कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से करके CBT 1 और CBT 2 को फतेह करो, और फिर लाइफ जाके आगे आपकी जब स्टेबल हो जाएगी तो भाई आपको मजे करो। ठीक है, तो इतना ही, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया था कि भाई बुक्स आपको ज़्यादा, बुक्स की रेफरेंस कम से कम रखनी है ताकि मल्टीपल टाइम्स रिविजन हो, और रिविजन की स्ट्रेटेजी मैंने बताया कि सुबह डेली रिविजन करना है, कल क्या करने वाले हो उसकी डेली रूटीन आपको एक दिन पहले ही बना लेना है, और यही टाइम है सोशल मीडिया दुनिया से कट जाओ मेरे दोस्त। अगर अभी दोस्त वगैरह मिलाने में, ठीक, अपने आप को एक्सपोज करने में लगे रहो सोशल मीडिया, यूट्यूब शॉर्ट्स शूट्स में, तो भाई आगे आपकी लाइफ भी शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो लाइफ में कुछ कर लो, स्टेबल कर लो लाइफ, उसके बाद आपको सबको ही पूछने वाले हैं। ठीक है, आई होप मुझे आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी CBT 1 और CBT 2 के कैंडिडेट को। फिर भी कोई मन में डाउट हो या किसी टॉपिक में वीडियो चाहते हो दोस्त, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फिर आपको मैं वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट जो है ईमेल पे भी पूछते हैं कि सर ये बता दो, मैं ईमेल पे भी आपको रिप्लाई करता हूँ। वहाँ पे किसी को पर्सनली नंबर चाहिए होता है, मैं नंबर भी वहाँ पे सेंड करता हूँ, फिर पर्सनली कॉन्टैक्ट करके भी बात करता हूँ। तो मेरे से जितना हो पाता है टाइम मैनेजमेंट में आपके साथ जो है बना हुआ हूँ। ठीक है, और इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में आपके साथ मैं बना हुआ रहूँगा। ठीक है, कहीं जाने वाला नहीं हूँ, आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, बी कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, येस आई कैन डू इट, बस क्योंकि आप ही को करना है, आपके अंदर का जो डर बैठा हुआ, शैतान बैठा हुआ, उससे आपको लड़ना है। बाहर का दुनिया से तो आप भैया आप ऐसे ही जीत जाओगे, पहले अपने आप से तो जीतो। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।